सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट के अंडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट प्रीपेयर्स के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं ओए स्टूडेंट के बारे में। ओए स्टूडेंट एक ऐसी वेबसाइट है या फिर कह लो ऐसा नेटवर्क है जहां से स्टूडेंट्स अपनी अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, ट्रैवल पार्टनर्स फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ओए स्टूडेंट की वेबसाइट जिसमें ऑल कैटेगरीज में अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई राइड चाहिए उसे भी हम देख सकते हैं, पीआर की फाइल के बारे में या फिर पीपीआर टाइमलाइन, ट्रैवल पार्टनर और भी कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें वो मिल सकती है। सो गाइस, प्लीज विजिट करो ओए स्टूडेंट वेबसाइट, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हो, ओए स्टूडेंट के नाम पे इनका पेज है। सो वहां पर भी ये बहुत सारी हेल्प करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत सारी पोस्टर्स हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। वाहेगुरु जी, फाइनली माय हस्बैंड गॉट पीपीआर टुडे। फाइल लॉगिंग डेट 19 मार्च 2022। मेडिकल पास हुआ था इनका 8 अप्रैल 2022 को। बायोमेट्रिक अपडेट हुए थे इनके 24 मार्च को एंड फाइनली कल इनको 12 जुलाई 2022 को पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 6 नवंबर 2020 की टाइमलाइन है। 21 जनवरी 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 19 जनवरी को इनका मेडिकल हुआ था, बायोमेट्रिक पास इनके 11 जुलाई 2022 को हुए एंड 12 जुलाई को इनको पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। माय वीजा गॉट रिजेक्टेड एंड द रीजन इज मेरिट स्टेटस, बट आई ऑल्सो अटैच माई मैरिज सर्टिफिकेट एंड ऑल द फोटोग्राफ्स वी अप्लाइड ऑन 16 फरवरी 2022। सो 16 फरवरी 2022 को इनकी फाइल लगी थी एंड इनको कल 12 जुलाई 2022 को फाइनली रिजेक्शन मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 1 फरवरी 2022 की टाइमलाइन है। 1 फरवरी 2022 को ही इनकी सबमिशन कन्फर्मेशन हुई थी, 1 फरवरी को ही इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 5 जुलाई को इनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी एंड उसके बाद 8 जुलाई को इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिला एंड फाइनली 12 जुलाई को इनको कल पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। टू द मोस्ट हाई गॉड अप्लाइड 1 फरवरी 2022। मेडिकल इनका अपफ्रंट था, अपडेट हो गया था 11 फरवरी 2022 को, 8 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए थे, रिव्यू स्टार्ट इनका 8 जून 2022 को हुआ था, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको 5 जुलाई 2022 को मिली थी एंड उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जो सबमिट किए उन्होंने 5 को ही कर दिए थे एंड 12 जुलाई को शाम को ही इनको पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 28 अक्टूबर 2020 की टाइमलाइन है। सो 2020 की भी बहुत सारी फाइलें अभी वेटिंग में है। 13 मार्च 2020 के इनके बायोमेट्रिक थे, 20 दिसंबर 2021 को इनको पीएफआर मिला एंड उसके बाद 29 जून को री मेडिकल रिक्वेस्ट आई एंड 12 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। टुडे आई गॉट रिफ्यूजल, टाइमलाइन एट 16 मार्च 2022 की टाइमलाइन थी एंड इनको फुल जो स्पाउस का स्टेटस था इनके फुल टाइम एमबीए स्टूडेंट था एंड इनको कल 12 जुलाई 2022 को रिफ्यूजल दे दी गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। फाइल लॉगिंग डेट है 25 अगस्त 2021 की। मेडिकल अपडेट 10 फरवरी को हुआ एंड इनको भी कल एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट मिली है। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो कि एक और रिफ्यूजल है, 16 फरवरी 2022 की टाइमलाइन है एंड इनको भी कल 12 जुलाई को रिफ्यूजल मिली है। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। मेनू भी आई है पीपीआर, वाहेगुरु जी के सारे सपने पूरे करते हैं एंड इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी 27 नवंबर 2021 की। सो नवंबर की फाइल थी, इनको भी कल 12 जुलाई 2022 को पीपीआर मिल गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन, बाय बाय।